हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नया किचन किंग। आज हम पुलाव बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस गिलास से देखिए एक गिलास चावल लिया है। ये देखिए, ये बासमती राइस है। यहाँ पर मैंने इसे धोकर 15 मिनट के लिए रख दिया था फूलने के लिए। और यहाँ पर देखिए कुकर मैंने ले लिया है और गैस ऑन कर दिया है। और देखिए यहाँ पर मैंने काजू किशमिश लिया है और 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 5 लौंग लिए हैं। और यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है मैंने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुकर हीट हो गया है। अब इसमें हम घी डालेंगे यहाँ पर और घी मेल्ट होने लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है। और अब इसमें देखिए यहाँ पर ये खड़े गरम मसाला लेंगे। इसे मैंने इलायची को थोड़ा सा क्रश कर लिया है और काजू देखिए बीच से मैंने इसे तोड़ लिया है। और अब इसे यहाँ पर भुनेंगे। गैस को लो टू मीडियम रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुकर में ही पुलाव बनाती हूँ। और देखिए, जिस गिलास से हम चावल लेंगे उसी गिलास से पानी लेना है। एक गिलास चावल तो 1 गिलास पानी। और 1 सीटी लगाना है कुकर में। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मसाले भुन गए हैं। अब इसमें यहाँ पर ये काजू और किशमिश इसमें डाल देंगे। इसे बस 30 सेकेंड तक भुनेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मखाना ले रही हूँ 1 कटोरी, इसे भी डाल देंगे और इसे भी खड़ा भूनेंगे। और अब इसमें ये चावल डाल देंगे और चावल को भी 30 सेकेंड तक भून लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उसी गिलास से मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसमें डाल देंगे। देखिए, इसे मिक्स कर देंगे और यहाँ पर कुकर का ढक्कन लो कर देंगे और गैस को हाई कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर 1 सीटी लगने तक लगने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अब 1 सीटी देगा। पर 1 सीटी लग गया है और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। अब इसका ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पुलाव रेडी हो गया है। देखिए देखिए, खिला खिला बना है बिल्कुल पुलाव। और कुकर में ही बनाइए आप पुलाव, बहुत जल्दी बनता है और टेस्ट बिल्कुल सेम लगता है। देखिए वैसा ही बना है। अब इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है। देखिए, इसे आप तड़का के साथ, पनीर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। देखिए बहुत यम्मी लग रहा है देखने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।